हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग हीरोइन श्रीलीला की अपकमिंग लाइनअप फिल्मों के बारे में। जो सारे फिल्म 2023 से लेकर 2024 तक आने वाली है, आजकल लिस्ट का नंबर वन पर आती है भगवंत केसरी। एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस उनका डायरेक्टर है अनिल रविपुरी। फिल्म की लीड में है नंदमुरी बालाकृष्णा, काजल अग्रवाल श्रीलीला और विलन के तौर पर है अर्जुन रामपाल। सो ये फिल्म दशहरा में रिलीज होने जा रही है 19 अक्टूबर को। लिस्ट का नंबर टू पर आती है आदि केसाबाई। एक एक्शन ड्रामा फिल्म में फिल्म के लीड में वैष्णव तेज और हीरोइन के तौर पर श्रीलीला। इसके सिवा मलयालम एक्टर जोजू जोस को भी हम इस फिल्म में एक विलन के तौर पर देख पाएंगे, जिसका डायरेक्टर है श्रीकांत रेड्डी। ये फिल्म 10 नवंबर मतलब दिवाली के टाइम पर रिलीज होने जा रही है। नंबर थ्री गोज टू एक्स्ट्रा, जो नितिन रेड्डी की अपकमिंग फिल्म है। ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्टर है वेंकटम भामसी, जिन्होंने इससे पहले एक ही फिल्म डायरेक्ट किया था, जो थी ना पेरी सूर्या ना इल्लू इंडिया, जो अल्लू अर्जुन के साथ किया था। सो इसके सिवा बहुत सारे फिल्म में राइटिंग का काम किया था। डायरेक्टर के तौर पर सेकेंड फिल्म है और ये फिल्म भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने जा रही है, जिस फिल्म में हम रितिन रेड्डी के साथ साथ श्रीलीला को हीरोइन के तौर पर देख पाएंगे और ये फिल्म इसी साल की 23 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। नंबर फोर गोज टू गुंटूर करम। फिल्म का डायरेक्टर थ्री विक्रम श्रीनिवास और ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने जा रही है। फिल्म के लीड में महेश बाबू, श्रीलीला, मीनाक्षी चौधरी। सो ये फिल्म संक्रांति 2024 मतलब 12 जनवरी 2024 को रिलीज होने जा रही है, जिसका प्रोड्यूसर है सितारा एंटरटेनमेंट। देखते हैं ये फिल्म आजकल होता कैसा है। इस फिल्म को लेकर एक एंटीसिपेशन है, देखते तेलुगु स्टेट में संक्रांति में ये फिल्म कैसा कलेक्शन कर पाती है। नंबर फाइव गोज टू उस्ताद भगत सिंह, जिस फिल्म का डायरेक्टर है हरीश शंकर। फिल्म के लीड में पवन कल्याण, श्रीलीला है। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 2016 में आई तमिल फिल्म थेरी का ऑफिशियली तेलुगु रीमेक है। सो इस फिल्म का अब शूटिंग का काम चल रही है, अभी तक शूटिंग खत्म नहीं हुई है। सो ये फिल्म अगले साल 2024 की मिड तक रिलीज हो जाएगी। नंबर सिक्स गोज टू VD12 मतलब विजय देवरकोंडा की 12th नंबर फिल्म। डायरेक्टर है गौतम तिनानोडी, जिन्होंने इससे पहले जर्सी जैसी फिल्म डायरेक्ट किया था। ये फिल्म एक स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म होने जा रही है, जिस फिल्म के लीड में हम विजय देवरकोंडा के साथ श्रीलीला को हीरोइन के तौर पर देख पाएंगे। सो इस फिल्म का भी शूटिंग का काम चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये फिल्म अगले साल 2024 की मिड तक रिलीज। नंबर सेवन गोज टू नितिन रेड्डी एंड वेंकी कोलम सेकेंड टाइम कोलाबोरेशन, जिस फिल्म में पहले रश्मिका मंदाना को साइन किया गया था। इन तीनों का कोलाबोरेशन में पहले भीष्म जैसी बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई थी। सो उसके बाद इनका सेकेंड टाइम कोलाबोरेशन है और इस बार हम रश्मिका मंदाना को नहीं देख पाएंगे, जो इस फिल्म से रिप्लेस होकर अब श्रीलीला को साइन किया गया है। ये फिल्म भी एक कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जो 2024 तक रिलीज होगी। नंबर एट गोज टू रवि तेजा एंड गोपीचंद मालिनी की 4th टाइम कोलाबोरेशन फिल्म, जिस फिल्म को प्रोड्यूसर है मैत्री मूवी मेकर्स। एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। सो इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर श्रीलीला को साइन किया गया है। सो इस फिल्म का अभी तक शूटिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुई है, जो अब प्रोडक्शन स्टेज में है। देखते हैं इस फिल्म का शूटिंग कब तक शुरू होती है और फिल्म कब जाकर रिलीज होती है। मोस्ट प्रोबेबली 2024 की एंड तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। नंबर नाइन गोज टू अनागनागा ओका रोजू, जिस फिल्म का लीड में नवीन पल्ली शेट्टी को हम हीरो के तौर पर देख पाएंगे और हीरोइन के तौर पर श्रीलीला को साइन किया गया है। फिल्म का डायरेक्टर है कल्याण शंकर। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिस फिल्म का रिलीज डेट कन्फर्म नहीं है। ये फिल्म मे बी 2024 तक रिलीज होगी। आज का लास्ट एंड फाइनल नंबर 10 गोज टू जूनियर, जिस फिल्म का लीड में हम एक नया एक्टर को डेब्यू करते हुए देख पाएंगे, जिसका नाम है किरीटि रेड्डी। जेनेलिया और श्रीलीला को भी देख पाएंगे, जिस फिल्म का डायरेक्टर है राधा कृष्ण रेड्डी। और ये फिल्म एक रोम कॉम एक्शन ड्रामा फिल्म होने जा रही है। सो ये फिल्म भी अगले साल रिलीज हो सकती है। सो इनमें से कौन सी फिल्म देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताना। आज का वीडियो यही तक था। हमारा ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आना। टिल देन बाय।